साबिक मेंबर पंजाब असेंबली चौधरी अदनान कत्ल केस की समाअत मुलजिमान एमएनए चौधरी दानियाल चौधरी चंगेज और उसामा चौधरी अदालत में पेश। अदालती अमले की जानिब से मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। मुदई मुकदमा के वकला की अदम पेशी पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। मुलजिमान के वकला ने फर्द जुर्म आयद होने के खिलाफ दलाइल पेश करना थे। मुलजिमान पर 4 सितम्बर को फर्द जुर्म आयद की गई थी। चौधरी अदनान को 12 फरवरी की शाम पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया था। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा करेंगे। बानी पिचाई और बुशा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम के तफ्तीशी अफसर पर जिरह की जाए। कोई शक नहीं आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। 26वीं आईनी तरामीम का मीडिया में जेरे गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं हम समझ रहे थे हुकूमत और मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड हैं, बस पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तरामीम पास कराने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। मुनहरिफ अराकीन को वोट का हक देने के लिए तरमीम कर रहे हैं। आईनी तरामीम के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ चाहिए। नंबर्स पूरे हो जाएं तो हुकूमत विफाकी काबीना में ड्राफ्ट सामने लाएगी। अपना ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान से शेयर किया, फजल रहमान भी अपना ड्राफ्ट हमसे शेयर करेंगे। कोशिश होगी आईनी तरामीम को हकीकत में तब्दील कर लें। दुनिया में कहीं नहीं होता जजिस का तकर्रुर जज ही करें। मौलाना फजल रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज साबिक सदर आरिफ अलवी के सरबरा JUI के घर आमद। मौलाना फजल रहमान और आरिफ अलवी ने मुलाकात के दौरान आईनी तरमीम की मुजवजा तजावीज का जायजा लिया। अहम सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो आईनी तरामीम पास हो जाएंगी। राणा सनाउला कहते हैं नंबर पूरे करने के लिए मुशावरत जारी है। मौलाना फजल रहमान पुराने इत्तेहादी हैं, इनको मिलाकर हमारे वोट 211 बनते हैं। उम्मीद थी मौलाना फजल रहमान साथ देंगे लेकिन इनके कुछ तहफ़ुज़ात थे। आईनी तरामीम पर PTI के साथ भी बातचीत हो रही है। अमरीका ने एक बार फिर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात का इजहार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकत दार रहा है, तहम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक हमारे खदशात वाजे हैं और शराकत दारी के बावजूद जहाँ इख्तलाफात होंगे वहाँ कार्रवाई करेंगे। मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हम कई सालों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अपने खदशात के बारे में वाजे और मुस्तकिल हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर 2023 और अप्रैल 2024 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक्शन लेते हुए 6 चीनी और 1 बेलारूसी कंपनी पर पाबंदी लगाई गई। ये कंपनियां पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की सप्लायर थीं।